पब्लिक अपने पैसा से भरवा रहा है, अपने पैसा से। आपके सामने हम खुद खड़े हैं, हम अपने 6,000 रुपया लगाकर अपने पॉकेट से गड्ढा भरवाए। 4 टेलर हम रावी और इंटा हम गिरवाए थे। वार्ड 13 से ही जीता था पिछली बार वो मुखिया, ठीक है, और यहाँ का लोग ही वोट देकर जिताया था। तो आप हम उसको भी विकास नहीं हुआ आपके वार्ड नंबर 13 में, अभी हम उसको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ब्लेम हम अपने आप लोग को करेंगे। 13 नंबर वार्ड का बोलेंगे हम लोग को, ठीक है। राशन कार्ड तो हल ही नहीं है, राशनो कार्ड नहीं है, कहां बा राशन कार्ड, राशनो कार्ड नहीं है बना के दिया था या सब कागज फाड़ के फेंक देता। बीपीएल रहे वो नहीं है मिलत, और राशन कार्ड 5 साल हो गया हम लोग का मिला हुआ। लेकिन लेकिन रोवा लेकिन मुर्गा दारू खा के वोट दे के जिता देते नहीं, यही वही फिर से हुई मुर्गा दारू, फिर से जनता खाई आ जिताई आ फिर फोन घुमाई भोजपुरिया झकोरा के लगे बा बोला बाबा। नमस्कार, हम बने अमरजीत कुमार गिरी, रोवा देख रहा बने भोजपुरिया झकोरा, और लगातार भोजपुरिया झकोरा का प्रयास बा कि हमनी के पहुंच के जनता के आवाज के उठाई सन, और लगातार निरंतर भोजपुरिया झकोरा लागल बा। यही बीच में हम पहुंचल बानी सारण जिला के बनियापुर प्रखंड के टी साहबुद्दीन पंचायत के वार्ड नंबर 13 में बानी सन, और स्थिति जो के त्यों बा, स्थिति में कब सुधार हुई पता नहीं के चलत, लेकिन लगातार हमनी के भिट्टी साहबुद्दीन पंचायत के तमाम वार्ड में गनी सन और समस्या के देखनी सन, लेकिन अभी तक ले समस्या में सुधार होके के नाम नहीं खेले। तो वह 20 साल से एगो परिवार ए पंचायत के सत्ता में बा, लेकिन 20 गो काम गिन के पंचायत में कहीं दिखाई नहीं देत। हमरा साथ में वार्ड नंबर 13 के जनता लोग बा, हम बात करें आखिर का समस्या बा कि हम चाहें कैमरामैन से दिखाओ खातिर कि तमाम लोग ये पंचायत के वार्ड के खड़ा बा, और सब लोग अपन अपन समस्या के लेके खड़ा बा कि भाई साहब एक गो परिवार के पास में सत्ता 20 साल रह गए पंचायत के, लेकिन 20 गो काम ये पंचायत में गिन के ना भइल, काहे ना भइल, का वजह रहल हो सबसे बड़ा, यहाँ के स्थानीय जनता लोग से पूछे। वार्ड नंबर 13 में हम पहुँचल बनी, यहाँ कोनो कामे विकास के नहीं है भइल। एकरा पहले 15 साल 20 में 15 यदि माइनस कर दिया हो तो 5 साल बचेला, 5 साल में वहाँ का जितनी तो अनी तो कहनी कि जी जवन भी काम हुई वार्ड नंबर 13 में पहले हुई, लेकिन काम के मामला में देखल जाए तो वार्ड नंबर 13 आज भी जीरो बा, आज भी जीरो बा, आज भी जीरो बा, जो कोनो विकासे नहीं के भल। हाँ, विकास के नाम पर वहाँ का ये करेनी कि एगो भाई जेल में रहेला तो दूसरका भाई के आके वहाँ का नापी करावेनी, ये काम तो वहाँ का करे नी, माने तंग करे नी जनता के। हाँ, जनता के माने एगो कमजोर कोई पड़े ला तो ओकरा ओर से वहाँ का हुमच देवे नी कि हाँ जी हई हई होखो, आ हमरा वहाँ से 1% डर कबो नहीं खे, ऐसे कि आदमी से कोई से हम डराइबे ना करिए, एगो भगवान के छोड़ के आदमी केहू से ना डराई। लेकिन ज्यादातर तरौरा पंचायत के ज्यादातर जनता डराता मुखिया जी के बात नहीं के आके सामने रख पावत, माने का वजह डर के, का वजह रहबा का मतलब डर ये बात बाकी एने ओने करतन मुखिया जी। हाँ ना ना, डर के वजह बाकी कोई के धो के पीट देहल, कोई के भाटा पर बोला के घरे बोला के पीट देहल, यही से जनता डरा लो कर से। मतलब रुवा लोगन पिटा जाता नहीं, कहे रुवा लोगन पिटा जाता नहीं, डरात कहे बने, डरात कहे बने चाचा रुवा लोगन कि मुखिया जी केहू के पकड़ के पीट देता नहीं। ना ना, मान लीजिए पावर बा मुखिया बदले बान, कोई के उरे बोल देवे के बा, कोई के गरिया देवे के बा, केहू के गरिया देता रहो, कोई के गरिया देवे के बा। आ पहला नंबर जो हमनी के सड़क ना बनल, एगो स्कूल ना भइल, जे भकुरा के लड़का जाता सब बांगरा राम चौरा पढ़े, ए जी स्कूल स्कूल नहीं है जी, नहीं खे तोरा पंचायत में स्कूल नहीं है, तोरा पंचायत में स्कूल नहीं है ना, स्कूल नहीं है आज तक बाजार में, और पंचायत में अभी तक हमारे पंचायत में मेरे स्कूल नहीं है, बीटी में है अभी। ना सबसे ना 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 सबसे बड़ा समस्या मुखिया जी पीट देता नहीं केहू के पकड़ के, ये कौन मतलब है, मतलब रोवा लेकिन डराता नहीं सब आदमी। हाँ, डरा ही के परी, बरियार आदमी से कमजोर आदमी कभी भी डराई। रउआ सामने लौकता नु, रउआ सामने लौकता, कहाँ वार्ड के रउआ तो आयल बही तो रउआ लौकता नु का विकास भइल बा, जहाँ बानी 20 साल में है बन जाए कि चाहे कि ना। आज तक देख लीजिए आप स्थिति देख ही रहे हैं, सड़क का देख लीजिए, जल नल का जो भी चला हुआ है, या मतलब कुछ भी ऐसा स्कूल हुआ ना, स्कूल का काम हुआ ना, ये देख रहे हैं रोड में, यहाँ तक रोड खत्म है, यहाँ के बाद रोड की मिट्टी है। हाँ, रोड है। हाँ, मतलब उधर माटी का रोड है, और सब घाट का घाट टोट का भी आज तक कुछ नहीं हुआ, मतलब देख लीजिएगा हम लोग का घाट भी नहीं बना इस पंचायत में। अरे बाप रे, घाट कुछ भी नहीं है सर इस पंचायत में, कुछ भी सर, आप आए हुए हैं सर देख लीजिए, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। साल हो गया ना, आप कहीं भी जाएगा तो सभी गांव का कम से कम 1 करोड़ तो ढलाई आपको मिल ही जाएगा। आप देख लीजिए अभी तक ईंट का भी है, ईंट में भी जाकर देखिएगा तो ऐसा ऐसा कहीं गड्ढा है कि गिर जाएगा। 10 साल पहले ईंटाकरण हुआ, उसके बाद अभी तक ना ढलाई हुआ है ना दोबारा कहीं ईंटाकरण हुआ है, गाँव में कुछ नहीं ऐसा काम हुआ है। पब्लिक अपने पैसा से भरवा रहा है, अपने पैसा से। आपके सामने हम खुद खड़े हैं, हम अपने 6,000 रुपया लगाकर अपने पॉकेट से, हम अपने द्वार के सामने वहाँ से देखिए गड्ढा का इतना, मेरा गाड़ी हम 4-व्हीलर रखे हुए थे वैगन आर, जो कि
मेरा गाड़ी आने जाने में काफ़ी दिक्कत रही थी, उसका सस्पेंशन भी मेरे एक बार गड्ढा में गिर गया था, टूट गया। तो हमने हमने कंप्लेन की है, मतलब है ना, बोले भी मौखिक भी, मोबाइल से भी बोले कि ऐसा ऐसा बात है, कम से कम जो गड्ढा है उसको आप लोग भरवा दीजिए। तो वो लोग नहीं सुने, फिर अपने पॉकेट से हम पैसा लगा कर है ना गड्ढा भरवाए, चार टेलर हम रावी सौ ईंटा हम गिरवाए थे अपने पॉकेट से। प्रधानमंत्री आवास योजना भी नहीं मिला, फिर भी मुखिया जी 20 साल से जीता था, फिर भी मुखिया 20 साल। एक बात सुनी, वहाँ का कागज पर हमने के फेसबुक पर देख लेनी है सर कि 15 लाख रुपया आयल बा नाला खातिर, तो हमरा चले रहू पूरा गांव में देख ली घूम के कि कहाँ वहाँ नाला बनल बा। वार्ड 13 से ही जीता था पिछली बार वो मुखिया, ठीक है, और यहाँ का लोग ही वोट देकर जीताया था। तो आप हम उसको भी विकास नहीं हुआ आपके वार्ड नंबर 13 में, अभी हम उसको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ब्लेम हम अपने आप लोग को करेंगे, 13 नंबर वार्ड का बोलेंगे हम लोग को, ठीक है, जो उसको वोट देकर बार जब आपके घर कुछ शिक्षा नहीं मिल रहा है, आपके घर पर रोटी दाल कुछ भी का मतलब जरूरत नहीं हो पा रहा है पूरा, तो आप क्यों उसको जिता रहे हैं? चेंज कीजिए आप, 5 साल आप जिला परिषद को रख कर चेंज कर लिए हैं, फिर आएगा 5 साल में चेंज कर, मुख्यमंत्री 5 साल में चेंज हो रहा है, 10 साल में चेंज हो रहा है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं? इतना बड़ा उसका पावर कमी आप ही लोग का ना है जी, किसका कमी है? आप लोग वोट देकर जिता रहे हैं और आप ही लोग का काम नहीं हो रहा है, यहीं पे है, ठीक है, कि वार्ड 13 का जो लोग है ना सबसे बेवकूफ़ आदमी है यहाँ का, बस यहाँ का लोग का मतलब है कि कमाओ खाओ बस, उससे कोई मतलब नहीं है आपके लिए। कि अभी आपके बाढ़ का इतना पैसा आया था ना, सब हमारा बुनियापुर भी बाढ़ में आया है, उसका भी पैसा उसके पास फंड में आया है, लेकिन बता दीजिए कोई किसी घर के 5 करोड़ मिला हो? 1 रुपया मिला है किसी को? कोरोना काल में 1 रुपया किसी का, जितना लोग प्रवासी लोग बाहर से आया है 1 रुपया किसी को कोई भी नहीं मिला, 1 पैसा भी नहीं मिला जी। ये जो आप देख रहे हैं ये सब मजदूर हैं, ये लोग डेली का कमाते कमाते हैं, ठीक है, और बताइए इनसे कि इन लोग का वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगा या इन लोग का मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना इन लोग का नहीं मिलता किसको मिलेगा? आप लोग को नहीं मिला आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला है? सब नहीं मिला रहा उनके राशन कार्ड तो है ही नहीं के, राशनो कार्ड नहीं है कहाँ बा, राशन कार्ड राशनो कार्ड नहीं के बना के दिया था या सब कागज फाड़ के फेंक देता लोग? बीपीएल रहे वो नहीं के मिलत, और राशन कार्ड 5 साल हो गया हम लोग का मिला हुआ, बताइए राशन कार्ड कहाँ लोग, ये लोग कहाँ जाएगा, कहाँ से कमा कर क्या क्या करेगा? अब बताइए जल जो नाली का आया हुआ है, नाली कहीं देखिए तो सब लोग अपना अपना मतलब सोखा खोलवा कर उसमें पानी गिरा रहा है, पानी गिरा रहा है सामने रोड के पास, जगह नहीं है, और जो लोग बोल रहा है कि हम लोग ये कर रहे हैं तो बता दीजिए कि कहाँ किया किए हैं? एक स्थानीय स्तर पर ऐसा कुछ काम किए होंगे तो हम लोग का घाट जो है ना, घाट अपना बच्चा सब जाकर साफ सफाई करके चांदा लगा कर काम करता है, चांदा लगा कर काम करता है, उसके बाद सब घाट पर वहाँ पे पूजा होता है। देख सकता नहीं कि भिट्टी साहबुद्दीन पंचायत सारण जिला के बनियापुर प्रखंड में हम बानी, और लगातार मतलब कि विकास के नाम पर 20 गो काम 20 साल में एजी का स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं बोले, और 20 साल से एक ही परिवार में सत्ता बा, और सबसे बड़ा सवाल बा कि एजी के जनता बेवकूफ़ बा, एजी के जनता बेवकूफ़ बा और समझत नहीं कि भाई सरकार के तरफ से जो मूलभूत सुविधा बनता आवता में हमरो हक बावे, और अपना हक के मांग एजी का स्थानीय जनप्रतिनिधि से एजी के जनता नहीं करत, जमुना के चलते एजी के स्थानीय जनप्रतिनिधि बुलडोजर चला के जनता के पेट पर और जनता के घर पर कुचले के प्रयास करते रहन, जनता फिर भी समझत नहीं के 20 साल हो गई। नाला के देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था बा, कि है नाला के ये नाला बन, देखे कि नाला 15 साल में ये नाला बना, 15 साल में क्या नाला बनल बना, ये लोग देखिए है नाला, मतलब कि लोग अपना घर के बगल में गड्ढा खोन के रख ले बा कि हमनी के घर के पानी जोन बा गड्ढा में गिरी, जी जी ये बा जी जी। अच्छा का विकास भइल बा रवा देख सकत हन कि भिट्टी साहब दिन पंचायत में बीच का विकास नहीं हुआ, तब बेवकूफ बा के जनता नहीं जनता यहां का वाकई में बेवकूफ है, इसलिए कि देखिए चुनाव आएगा मुर्गा और दारू का व्यवस्था बिल्कुल हो जाएगा, ये चीज आप मान लीजिए, मुर्गा दारू का व्यवस्था होगा, होगा हर पंचायत में 2 आदमी 3 आदमी को रख लिया जाएगा, उनके यहाँ बनेगा, लोग खाएगा, उसको वोट देगा, विकास की तो बातें नहीं है, लेकिन लेकिन रोवा लेकिन मुर्गा दारू खा के वोट दे के जिता देता नहीं, यही हुई फिर से हुई मुर्गा दारू, फिर से जनता खाई आ जिताई, फिर फोन घुमाई भोजपुरिया झकोरा के लगे बाबा के बोलाओ। अरे भैया मुर्गा दारू पर बिचा जाता जब जनता, फिर कैसे विकास हुई? सबसे बड़ा सवाल बाकी हमी के सिर्फ बीटी साहब दिन पंचायत के समस्या नहीं के, लगभग हर पंचायत के समस्या बाकी जनता मुर्गा दारू खा के आ वोट दे देता जीता जाता, फोन घुमाता भोजपुरिया छकोरा के बाबा जल्दी आई देखी हमारा पंचायत में, बाबा का करिए, बाबा के समस्या के उठाई है, मुर्गा दारू खाइल बंद करे लोगी।